एक्स्ट्रा टाइम। क्या केकेआर दिनेश कार्तिक को वापस कप्तानी देंगे रेस्ट ऑफ आईपीएल में, या फिर पैट कमिंस को स्टैंड बाय स्किपर अपॉइंट करेंगे? इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एशले जायल्स ने क्लियर कर दिया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल 2021 के फेज 2 में अवेलेबल नहीं होंगे। अब दिक्कत यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम के कप्तान ओयन मॉर्गन है, ओयन मॉर्गन इंग्लैंड से, मतलब वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब केकेआर मैनेजमेंट एक डायलेमा में है कि वापस से दिनेश कार्तिक को कैप्टन बनाए या फिर किसी को एज अ स्टैंड बाय कैप्टन करे। दिनेश कार्तिक केकेआर के कप्तान थे जब गौतम गंभीर ने फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी 2018 के सीजन में। हालांकि दिनेश कार्तिक की कप्तानी बहुत अच्छी नहीं रही, 3 सीजन के लिए वो कप्तान थे एंड ही डिडंट डू वेल। उसके बाद ओयन मॉर्गन को कप्तान किया गया, लेकिन क्योंकि अब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ आईपीएल, अब देखना यह है कि वापस कप्तानी दिनेश कार्तिक को मिलते या फिर पैट कमिंस को कप्तानी दे दी जाती है एज अ स्टैंड बाय कैप्टन। अब इस पे भी डिपेंड करेगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने प्लेयर्स को अवेलेबल करेगा या नहीं फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ आईपीएल। अगर पैट कमिंस नहीं आते हैं या फिर उनको वाइस कैप्टन का रोल दिया जाता है तो हो सकता है कार्तिक फिर से कैप्टन हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है। अगर कमिंस आ गए वो कैप्टन हो सकते हैं और दिनेश कार्तिक वाइस कैप्टन। द बॉल इज इन द केकेआर मैनेजमेंट कोर्ट नाउ। यूएई वाले टूर्नामेंट फेज के पहले उनको डिसाइड करना पड़ेगा। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.